80-85% लोगों की संपत्ति है और उनका संसाधन है। अब बहुजन को हमारे एक साथी कह रहे थे कि SC ST OBC मत जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो शोषित गरीब जो तबका है वो SC ST OBC का ही है वर्ग है ज्यादातर, बाकी औरों का कम है। अगर मैं ये कहूं तो जिस तरह से लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, आपने शायद देखा होगा कि बाहर जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिनको लोहा इकट्ठा करना होता है, वो एक डंडे में एक रस्सी में चुंबक इकट्ठा कर लेते हैं और उसको लेके घिसते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे हम चुंबक को लाएंगे नजदीक में, वो सारे के सारे जो लोहे के टुकड़े हैं, कील हैं, वो सारे इकट्ठा होते चले जाएंगे और उसकी रोजी रोटी का काम चल जाता है। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि आज यहां जितना साथी बैठा है वो जागृत है, बाबा साहब को पढ़ चुका है, मान चुका है, तथागत बुद्ध को मान चुका है, ज्योतिबा फूले को मान चुका है और सावित्रीबाई फूले को मान चुका है और हमारे क्या नाम है साहूजी महाराज को मान चुका है। ये हम जितने भी महापुरुष हैं सबको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, शायद हम इसलिए बैठे हैं। तो मैं इसको उस बात को कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि बहुजनों में जब तक BSP की विचारधारा नहीं आएगी, मेरी बात शायद किसी बात को किसी लोगों को समझ नहीं आएगी, तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुजनों की विचारधारा मैं बता रहा हूं, बहुजनों की विचारधारा क्या है, पी फॉर बाबा साहब, एस फॉर साहूजी महाराज, पी फॉर फूले जी। जब तक इनकी विचारधारा घर घर नहीं जाएगी हम बहुजन नहीं बन सकते हैं। ये आपके सामने उदाहरण है, हम लोग इकट्ठा अगर यहां बैठे हैं तो उन महापुरुषों की वजह से बैठे हैं और यही असली BSP है जो मैं समझता हूं। और हम अगर सबको इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये विचारधारा कंट की तरह जैसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास आ जाता है, वो अगर लगातार रहे तो बहुत बहुत सालों बाद जाके थोड़ा सा उसमें गुण आएगा, लेकिन अगर उसमें करंट पैदा कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चुंबक बन जाता है, खुद लोहे का टुकड़ा। अगर उसके तार लपेट के उसमें करंट उसके साथ दे दिया जाए तो वो चुंबक बन जाता है। आज हमारे लोगों में वो लोग भी हैं जिनको आप करंट दे सकते हैं, जिनको आप तैयार कर सकते हैं चुंबक के रूप में, क्योंकि एक चुंबक से बात नहीं बनेगी। आज हमें घर घर में चुंबक चाहिए, घर घर में ये विचारधारा वाले आदमी चाहिए, तब जाकर हमारे बहुजनों की संकल्पना, तब जाकर हम बना पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब हम जो अगली चीज जो कहते आ रहे हैं कि भाई बहुजनों की चुनौती क्या है, सबको बताया आज, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, गरीब हो, महिलाएं हो, स्टूडेंट्स हो, कुछ भी नौकरी वाले हो, कोई भी हो, सबकी हालत इतनी बुरी है कि मैं शायद बताऊंगा तो बेईमानी होगी, आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं क्या चुनौतियां क्या हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ चिंतित हैं ये नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ किसान हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है आज यहाँ जो बैठे हैं इस मूवमेंट में शायद मैं 7-8 साल से जुड़ा और विचार पहले से थे लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। और आज असुरक्षा है, अधिकार जा रहे हैं, तो जो बहुजनों की चुनौती आज ये है कि हमारे स्वाभिमान की बात आ गई है। पहले तो रोजी रोटी की बात थी, आज शायद यहां जो इतना बैठा है समाज या गांव, बहुत सारे लोग घरों में भी बैठे हैं जो टीवी बीवी शीशी में मस्त हैं, उनको रोजी रोटी की चिंता नहीं है, स्वाभिमान की चिंता है। आज बात स्वाभिमान की आ गई, आज अधिकारों की बात आ गई, आज संविधान की बात आ गई, आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात आ गई है। तो चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, चुनौतियों की तो बात जितनी की जाए उतनी कम होगी। अब तो ये मानिए कि शायद करो मरो की स्थिति आने वाली है। आज गुरु घर के साथ जो हुआ आपके सामने है, 19 को भी आंदोलन हुआ, 21 को भी आंदोलन हुआ, कई बार चर्चाएं हुई हैं। अब जो बहुजनों की चुनौती है उसके साथ साथ एक चीज और आ रही है कि भाई इसका खाका कैसे बने, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मैं जहां तक मानता हूं हम सब जिम्मेदार हैं, थोड़े थोड़े तो जिम्मेदार हैं, चाहे मैं कितना भी जय भीम कर लूं, जितना भी हर महीने में 10 कैडर दे के आ जाऊं अपने पैसे से, जो कि 250 किलोमीटर दूर जाना आना मेरे ख्याल से आज मुश्किल है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, मैं चला जाता हूं। और ये सब करते हुए भी मैं भी दोषी हूं। दोषी क्यों हूं? दोषी इसलिए हूं क्योंकि हमने जो हमारे महापुरुषों का मिशन है उसमें कहीं ना कहीं अपने अनुसार उनकी परिभाषाएं बना ली,
हमने अपने अनुसार उस बात को समझने लग गए, हम ये नहीं समझे कि वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। आज जो ये दिल्ली है, हमारी राजधानी है, यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी वर्ग अगर यहाँ खड़ा है, तो मैं ये चाहूँगा, आपसे निवेदन है कि हम एक खाका जो तैयार कर रहे हैं, एक घोषणा पत्र जो तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हम यहाँ से एक ठोस कदम उठाकर एक ऐसा पैगाम दे पूरे देश को, जो आने वाली पीढ़ी को या जो गाँव में है, जो हमारे साथी हैं, जो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर वर्ग है, उसको एक मैसेज मिले, उसको एक दिशा मिले, और वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का फायदा उठाए, हमारे महापुरुषों को, विचारों को जान पाए। वो कारण क्या? कारण वही, अगर मैं अपनी बात करूं, 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ, 30 करोड़ से ज्यादा लोग रोड पर थे, सबने देखा, विदेशों तक नाम आया, सब कुछ हुआ। आज गर्व, जिससे पूछते हैं 2 अप्रैल को साथ थे क्या, बड़े गर्व से हाथ खड़ा करता, जी हां मैं था। लेकिन 2 अप्रैल के बाद हम लोगों ने क्या किया, क्या सोचा हमारे समाज के लिए? शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कुछ, सर मैं खत्म करना चाहूंगा जल्दी से, कुछ लोगों ने ही इस चीज को समझ पाया कि हमें बहुजन को आगे क्या रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो मैं अपनी जो शपथ ली, मैं वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने, छोटे छोटे गांव में रहने वाला आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, तो वहां पर हमने एक चीज देखी, कुछ लोगों को हमने हाथ जोड़ा कि दुकान बंद कर दो, कुछ को हमने डंडा दिखाया, हमें ये समझ में आया कुछ साथी साथ हैं, कुछ नहीं है। तो हमने 2 अप्रैल को एक बात समझ में आई कि 2 अप्रैल को जो हमारे साथ नहीं है, उस प्रतिष्ठान का, उस दुकान का, उस लाला का हम आजीवन बहिष्कार करते हैं, और हमने वो किया। भाई साहब, जो हमने जब किया तो उसका ये नतीजा समझ में आया कि वही लाला आज आपके गांव गांव में आके घर पे मिलते हैं, अरे भाई शादी है तेरे, एक जोड़ी कपड़े सिलवा देंगे, तू जरा ग्राहक भेज दे। अरे उनको पता चल गया है कि आपने अगर अपनी जागृति से अपने समाज को अगर उनकी दुकानों से रोक लिया है, तो आपने अपने समाज को मजबूत किया है। क्यों? अब तक हमारा समाज क्या करता आया है कि दूसरों को, लालाओं को उस पैसे को देते आया है कि बनाने वाले हम हैं, धोने वाले हम हैं, मेहनत करने वाले हम हैं, लेकिन सिर्फ उस माल का प्रॉफिट खाने वाले वो लोग हैं जो हमारे अधिकारों के दुश्मन हैं, हमारे सबके दुश्मन हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उस 2 अप्रैल को थोड़ा सोचा, उसके बाद में ये धीरे धीरे आया समझ में सब लोगों को। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक हमारे ये बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, वकील, मास्टर, जो भी अच्छे एवन क्लास के अफसर भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, और भी हैं, जो थोड़ा सा मान सम्मान ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता हूं तो मेरा गांव में थोड़ा सम्मान कम होगा, लेकिन अगर एक नौकरी वाला आएगा तो उसका सम्मान ज्यादा होता है। अगर ये वर्ग एक मैसेज दे दे कि हमें अपनी दुकानों से माल खरीदना है, हमें अपनी दुकानों की पब्लिसिटी करनी है, तब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आपके इस मूवमेंट को ताकत भी मिलेगी। यही काम आपने देखा होगा कि जो लाला जी हैं वो हर मूवमेंट को साथ देते हैं, उनके मूवमेंट को साथ देते हैं। समय कम है, मैं समझ रहा हूं कि ये, तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथी बहुत सारे हैं, कुछ को बात बुरी लग सकती है, हमारे किसी आदमी में जिसको हम नेता मानते हैं या जिस पे दारोमदार रख सकते हैं, हम पुनः भरोसा जता सकते हैं, शायद उसकी बुराई की पोस्टें तो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। आप वैचारिक मतभेद रख सकते हैं अपना पर्सनल, लेकिन आपकी मैसेज, आपकी एक पोस्ट सैकड़ों हजारों लोगों में जाती है। आपके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब आप BSP के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस भाई से मुझे मिलने में थोड़ी सी बचना पड़ेगा। हो सकता है आपके उस मुद्दे पर वो आपके सहमत नहीं हो, लेकिन मैं यहां से पुरजोर तरीके से कहता हूं, आज तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पास ऑप्शन है। अगर बिगड़ रहा है मामला तो हम सुधारेंगे, क्योंकि हमने इस मूवमेंटों में देखा। 19 तारीख को हमारे भाई साहब हैं, मैं वहां पर आया, राजस्थान से आया, 5-7 लोग थे, मुझसे एक मीडिया वाले ने कहा, भाई साहब आपका क्या एजेंडा है? मैंने कहा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आज 19 तारीख का आंदोलन हमारे सरदार जी का है, जो सरदार जी कहेंगे मैं चुपचाप मान लूंगा। ऐसे ही हमें 21 तारीख को करना चाहिए था, जो लीड कर, लेकिन क्या है, हमें आदत पड़ गई है, नहीं मंच तो भाई साहब ने सजाया, फोटो तो मुझे खिंचानी है, नेता तो मुझे बनना है। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या तैयारी की है। बालक राम जी ने हर आंदोलन में तैयारी करके बैठते हैं, लेकिन जब आंदोलन की तैयारी करते हैं, इनसे पहले दूसरे नेता आते हैं, इनकी विचारधारा, इनके कार्य, इनके सबको एक साइड बस्ते में लगाते हैं और आके अपनी बात कर लेते हैं, तुम आ जाओ मेरे साथ,
मैं टाइम दे दूंगा आपको, आप मेरी तारीफ कर देंगे नहीं 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 इसलिए आपका टाइम ओवर हो, आप दूसरे वक्त का टाइम जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं, लास्ट में खत्म कर रहा हूं कि बाइंडअप कर रहा हूं, मैं बाइंडअप कर रहा हूं। चुनौतियां हैं, खाका तैयार कीजिए, और जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र की बात करता हूं कि घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षा के ऊपर होनी चाहिए पहली बार। दूसरी चीज है आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा। अगर दिहाड़ी मजदूर, यहाँ एक भी दिहाड़ी मजदूर नहीं होगा लेकिन ज्यादातर समाज दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो दिहाड़ी मजदूर ठेकेदारी व्यवस्था में आ जाएगा तो शायद आपके साथ यहाँ कुर्सियों में बैठा मिलेगा। तो आर्थिक विकास का हमारा एजेंडा उसके अंदर होना चाहिए। सामाजिक समानता की जो लड़ाई है, जो सारे संगठन लगभग लड़ते तो हैं लेकिन करते नहीं है, पति का भ्रमजाल, इसको आप ही बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो समाज से मिटा सकते हैं, इसके सार्थक काम करिएगा। एक ये पुस्तक वही है जो माननीय काशीराम जो पढ़ के इस मिशन में आ गए थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।